तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अंदर वीडियो। पहले इस भाई को जान दो। तो देखो, यहाँ पर खड़ी है फॉर्चुनर और ये रही ड्यूक 250 जनरेशन थर्ड और ये अपनी पैंथर है एमटी। तो आज अपन करने वाले हैं इसका राइड रिव्यू, पूरा राइड रिव्यू करेंगे। कैसे कैसे क्या क्या पिकअप है और कैसे कैसे जो भी इसमें प्रॉब्लम्स आ रही है, सेफ्टी क्या है, ब्रेकिंग क्या है, तो सारी चीज़ें बताएंगे। तो चलो यहाँ से निकलते हैं अपन। चल तो भाई देखो, सबसे पहले बता देता हूँ इसकी सीट हाइट तो सही सी है, ज़्यादा ऊपर नहीं है, सीट हाइट इसकी कम कर दी और की मिल जाती है अपन को कुछ ऐसी। देखो तो इसको स्टार्ट करते हैं और भाई देखो कितना प्यारा सा डिस्प्ले मीटर मिलता है अपन को, मिट्टी चढ़ रही है इस पर। तो यहाँ पे अपन को मिल जाता है, कल मैंने बताया था ना, ये अपना फ्यूल का है और ये RPM का है, टाइम मिल जाता है, 9:30 बज रहे हैं और गियर इन्फो मिल जाती है। तो यहाँ से करते हैं इसको स्टार्ट। देखो तो भाई चलो चलें, सबसे पहले चेक, पहले यहाँ से निकलते हैं भीड़ भड़ाके में से। तो गाइस चलो चलते हैं अपन, सबसे पहले चेक करेंगे इसकी सेफ्टी, ब्रेकिंग कैसी है इसकी और भाई इसको चलाने में क्या मज़ा आ रहा है और पब्लिक रिएक्शंस तो देख रहे होगे आप, दुनिया से देखती है जा कह रहा है। तो देखो ओह हो भाई खतरनाक यार, इसका पिकअप बड़ा शानदार है, ये 250 cc में क्या शानदार चल रही है भाई अभी तक। और एक चीज़ और यार, बहुत से भाई बोल रहे हैं कि KTM में प्रॉब्लम आ रही है इनमें, भाई मेरे को तो अब तक इसमें कोई प्रॉब्लम आई नहीं है और आएगी तो देख लेंगे, बता देंगे जो भी प्रॉब्लम आई है, पर फिलहाल इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही भाई, ये चल रही है दबा के मस्त। यहाँ से निकलते हैं, पहले साइड में लेते हैं इसको। भाई काफ़ी इसको वाइड ऐसा लगता है, भारी भारी सी लगती है सामने से। अभी सुबह सुबह उठ कर आया हूँ मैंने, सिर्फ मुँह धोया है और खाया पिया कुछ नहीं है और ये चल रही है अपनी पैंथर। देखो शानदार लग रही है ना। तो चलो इसको पहले निकालते हैं आगे, थोड़ी सी ब्रेकिंग वगैरह चेक करेंगे इसकी। हाय 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 ऐसी यार, मतलब KTM मतलब इनका क्या बताऊं, जो इनिशियल है ना भाई वो इतना शानदार है, ऐसे टक से ऐसे खिंच जाती है बिल्कुल प्यार से। अभी इसका ABS भी ऑफ करेंगे अपन, चलती चलती बाइक में ABS ऑफ हो जाता है, विली स्टॉपी मारनी है तो अपन ऐसे ही यहीं से ऑफ कर देंगे, हो जाएगी वो। तो गाइस पहले इसकी ब्रेकिंग चेक कर लेते हैं, कहाँ गए वो, आ रहे हैं क्या, उस साइड घूम गए। तो पहले इसकी अपन ब्रेकिंग चेक कर लेते हैं, तो थोड़ी सी स्पीड में लेता हूँ, 45-50 प्लस और यहाँ पे लगाएंगे ब्रेक। और भाई ये जाम हो गई, देखो भाई देखो, ये जो KTM है सेफ्टी के मामले में और सस्पेंशन इसके बहुत प्यारे आते हैं, तो अपन ये तो कह ही नहीं सकते कि इसकी ब्रेकिंग बेकार है या फिर वो है। ड्यूअल ABS मिलता है अपन को, तो टायर स्किट भी नहीं होते और बड़े प्यार से इसके ब्रेक्स लग जाते हैं, थोड़ी सी आराम से जाम हो जाती है। अभी देखो खींचता हूँ आप इससे इसको, ये मैंने खींची और यहाँ रोकनी है ना, ये रुक गई देखो। तो भाई बड़ा शानदार इसका जो सेफ्टी फीचर है वो बड़ा शानदार है। तो अब बात कर लेते हैं भाई सीट हाइट की। देखो सीट हाइट इसकी कम कर दी है, तो थोड़ी सी मेरे को नीची नीची सी लग रही है पहले वाली ड्यूक से, बट कोई दिक्कत नहीं, उससे थोड़ा फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर आपकी हाइट 5'8" है, 5'7" है, 5'6" 5'4" भी है तो आप इसको आराम से चला लोगे, दिक्कत नहीं आएगी। मेरी हाइट 5'8" है और मैं काफ़ी कम्फर्टेबल इस पर बैठा हूँ। भाई इसकी कम्फर्ट की बात करें तो इसकी सीट काफ़ी अच्छी है, सॉफ्ट भी है और मतलब सीट काफ़ी वाइड भी है, बड़ी भी है, तो आराम से कितना ही मोटा आदमी हो आराम से बैठ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी कंफर्ट के मामले में। कितने ही लंबे टूर पे चल जाओ, ये एक भाई नेकड बाइक है, बिल्कुल सीधा पोस्चर रहता है, जैसे RC में अपन थोड़े से झुके हुए रहते हैं तो अपने ये हाथ दर्द करने लग जाते हैं या फिर जो भी है, इसमें वो प्रॉब्लम नहीं आती है, बड़ा कम्फर्ट रहता है। तो चलो भाई इसको थोड़ा सा यहाँ पर खींच के देखते हैं। ओ भाई खतरनाक, और ये लगा दिए ब्रेक, आय हाय हाय क्या भाई इसका जो पिकअप है ना। अभी इसको थोड़ी सी गियर में खींचेंगे, कौन से गियर में कितनी जा रही है, तो खाली रोड पे आ गए अपन, यहाँ पे खींचते हैं ना। देखो दूसरे गियर में उठा रहा हूँ, 70 प्लस, 94, ओ भाई छोटा सा रोड और मतलब ये, मतलब मैंने भाई छोटे से रोड पे ही चढ़ा दी 140, तो 130 प्लस तो मैंने देख ली थी, उसके बाद नहीं देखी। तो बन्नी हेलमेट लगा रखा है मैंने, तो एक बार इसके ABS ऑफ करते हैं, आपको दिख रही होगी ये, तो
तो इसके ABS ऑफ कर देते हैं एक बार। देखो यहाँ से ABS ऑफ होएंगे, यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे ये ABS लिखा हुआ है ना, देखो ये ABS लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करो और सुपर मोटो पे क्लिक करो। ये हो गया सुपर मोटो और अब इसको बैक कर दो। अब इसके ABS हो गए ऑफ। अब इसका टायर भी स्किट करेगा, देखो आवाज़ आई ना, ये इसका टायर भी स्किट कर रहा है। विली मारनी है, विली भी हो जाएगी। हाय हाय, विली बड़ी प्यारी आती है गाइस, इससे बार अभी स्टॉप ही करता हूँ। देखो भाई जो ये बाइक बनी है ना, ये बनी है स्टंट के लिए। इससे भाई स्टॉप भी, विली इतनी प्यारी होती है ना, इससे मतलब मजे आ जाते हैं। तो भाई सस्पेंशन इसके इतने प्यारे हैं, तुम स्टॉप ही उठा रहे हो, बड़े प्यार से ऊपर जाएगी और बड़े ही प्यार से नीचे आएगी। तो भाई सुबह हो रही है और ये अपना सनराइज़ हो रहा है, सनराइज तो हो गया। तो यहाँ पर थोड़ी सी एक बार देखेगा विली मार के। हाय कैसे खींचती है यार ये, रोलिंग स्टॉप ही मारता हूँ। ओए होए 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 भाई साहब, एमटी से तो मतलब अपन को करना होता है, इसमें तो तुम भाई 50% काम कर दो, उसके बाद ये अपने आप स्टंट कर लेती है। तो देखो भाई यहाँ पे करता हूँ स्टॉप ही हल्की सी। ओ भाई साहब क्या खतरनाक आ रही है यार, कितनी प्यारी चीज है ये। तो भाई वो पता नहीं कहाँ पे चले गए, उनके पास चलते हैं और क्या क्या रह रहा है भाई इसमें। थोड़ी सी एक चीज़ और बता देता हूँ, देखो इसके सस्पेंशंस बहुत ही प्यारे हैं, अपन को लीन करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। टायर काफ़ी वाइड मिल जाता है इसमें, टायर पीछे वाला, तो अगर तुम लीन करते हो तो तुमको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कहाँ ला रहा है, मैं ही रॉन्ग साइड चल रहा हूँ क्या? तो भाई कोई दिक्कत तो आएगी नहीं लीन कर रहे हो जब भी। देखो देखो खूब लीन करो, देखो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है भाई इसमें। और भाई एवरेज की बात करूँ तो अपन को एवरेज दे रही है ये 35, और अगर मेरी तरह चलाओगे तो मिलेगी 25 से 30। तो अब बात कर लेता हूँ भाई इसके पिकअप की, इनिशियल पिकअप की, जो भी इसकी पावर है, PS पावर है, टॉर्क है भाई इसकी, पावर मिलती है अपन को 31 की और टॉर्क मिल जाता है 25 न्यूटन मीटर टॉर्क और 31 PS की पावर मिल जाती है दो की, जो कि काफ़ी खतरनाक है भाई। मेरे को ना ये ना ड्यूक 390 से थोड़ी सही लगती है, क्योंकि अगर तुम 390 लेते हो ना, देखो वो थोड़ी सी ज़्यादा एक्स्ट्रा पड़ जाती है प्राइस में भी। और अगर तुमको बाइक लेनी है, पिकअप वगैरह सारी चीज़ अच्छी चाहिए, तो तुम भाई ये ले लो ड्यूक 250, थोड़ी सी प्राइस रेंज में भी कम आ जाती है और उसके बाद भाई इसका थोड़ा सा वो पावर भी आपको इसमें काफ़ी अच्छी मिल जाती है। तो मेरे को ड्यूक 250 सही लगती है बजट के हिसाब से। वो अपनी ड्यूक 390 पड़ती है 4 लाख के अप्रोक्स, और ये अपन को भाई ये पड़ जाती है 2.80 के आसपास, ठीक है। तो 1,20,000 का फर्क पड़ जाता है सीधा सीधा। अरे वो मेरे साथ ही आ रहे थे यार, एमटी वाले किधर गए वो, चलो यहाँ से चलते हैं घर की साइड, उधर देखेंगे, आ जाओ। तो भाई फिलहाल आया पड़ा हूँ मैं खुदनपुरी, अलवर की खुदनपुरी में, भाई का घर यहीं पर है, तो मैंने की व्लॉग बनाएंगे वहीं पर चल लेते हैं। तो भाई इस बाइक को मतलब चलाने में तो काफ़ी तगड़े मज़े आ रहे हैं यार, मैं कहीं बताऊं, मतलब MT एक अलग चीज़ हो गई यार मेरे से। भाई काफ़ी भाई पूछते हैं ना भाई MT और इसका वो कर दो कंपैरिजन वीडियो बना दो, तो भाई MT बेस्ट है या फिर ड्यूक 250 बेस्ट है। तो मैं बता देता हूँ, देखो KTM यार एक अलग चीज़ है और MT एक अलग चीज़ है। देखो अगर तुम पहली बार कोई ले रहे हो तो तुम MT ले सकते हो, काफ़ी अच्छी है, मतलब देखो वो बजट फ्रेंडली है, उसमें आपको माइलेज भी अच्छी मिल जाती है और थोड़ी सी मतलब सस्ती भी पड़ जाती है, तो वो बजट फ्रेंडली है। अगर तुम इसके बाद लेते हो तो तुम ड्यूक 390 ड्यूक 250 पे जा सकते हो, इनमें पावर आपको उतनी मिलेगी जितनी, मतलब जैसा पैसा वैसा मज़ा, तो कोई दिक्कत नहीं आती है। तो भाई रिएक्शंस तो दुनिया तो देखती है इसको कि क्या जा रहा क्या नहीं जा रहा। तो रोहन के घर आ गए अपने यहाँ पर, वो पता नहीं कहाँ चले गए। तो ये रहा रोहन का घर, रोहन टहल हो गया दिखे यार। फोन आ गया। तो भाई वो गए पड़े 17 मंजिल। और भाई इसकी ऑफ रोडिंग की बात करूँ ना, तो ऑफ रोडिंग की बात करूँ तो भाई इसमें ग्राउंड क्लियरेंस अपन को काफ़ी ज़्यादा दे दिया, तो ऑफ रोडिंग करने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। पहले इसमें ग्राउंड क्लियरेंस कम आता था, अब इसमें ज़्यादा दे दिया ग्राउंड क्लियरेंस, तो काफ़ी मज़ा आता है चलाने में।
ऑफ रोड आप आराम से थोड़ा आसानी हो जाती है ऑफ रोड करने में अगर तुमको ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी खासी मिल रही है तो। और भाई इसकी आवाज़ काफ़ी प्यारी है यार, KTM ड्यूक की आवाज़ मतलब बहुत प्यारी देती, बहुत प्यारी आवाज़ आती है। तो एक बार देख लेता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे हल्की सी मैंने ABS ऑफ कर रखे हैं क्या? हाँ ऑफ कर रखे हैं भाई। ये मेरे को काफ़ी अच्छा फीचर लगा इसमें कि तुम ABS ऑफ कर सकते हो चलती बाइक में। हमारी में तो सीट खोलनी पड़ती है फिर ABS ऑफ करते हैं। अपनी MT के ऊपर भी मैं अलग से एक व्लॉग बना दूंगा जिसमें तुमको मतलब ABS कैसे ऑफ करने हैं उसके MT के, तो उसमें भाई अलग से तुमको ना फ्यूज़ हटाना पड़ता है सीट खोल के, तो मैं उसके ऊपर ना अलग से व्लॉग बना दूंगा कल या परसों। फिलहाल अपन चलते हैं थोड़ी सी इसके मजे लेते हैं। नई नई बाइक है तो जिसकी बाइक है भाई उसको भी डर लग रहा है, तो इसको ज़्यादा भगानी नहीं है, नॉर्मल चलानी है। ओ हो, घनी प्यारी स्टॉपी आती है यार इससे भाई, यार इन बाइक से स्टॉपी तो मतलब मैं यूं कह रहा हूं, हाय 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 हाय। तो भाई कैसा लगा आपको इसका राइड रिव्यू? टॉप एंड अभी अपन ने ये खींची नहीं है तो 130 तक तो चलाई है, पर टॉप एंड अपन ने नहीं खींची क्योंकि यार थोड़ी सी अभी नई बाइक है ऐसे भगा नहीं सकते। तो इसकी टॉप स्पीड का व्लॉग भी जल्दी लाएंगे। बाकी अगर आपको इसका राइड रिव्यू अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, और कुछ चीज़ें मिस रह गई हो तो गाइस आप वो कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं, कंफर्ट बता दिया और ब्रेकिंग बता दी, ब्रेकिंग अच्छी है, कंफर्ट अच्छा है, कुछ कमी नहीं है बाइक में। अगर मुझे एक कमी लगी है तो गाइस वो है ये थोड़ी सी हीट हो जाती है जल्दी, अभी तो हीट नहीं हो रही पर हम जब इसको शोरूम से लेके आए थे तो निकाल दी बहुत जल्दी हीट हो रही थी, शायद थोड़ी सी स्टार्टिंग में हो सकता है हो रही हो बट अभी नहीं हो रही, तो हीटिंग इशू इसमें हो सकता है गाइस। पर अभी तक मैं चला रहा हूँ तो अभी मेरे को फील नहीं हुआ, मैंने ज़्यादा चलाई भी नहीं। तो बाकी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, मैं आपको बता दूंगा कमेंट करके। और बाकी बाइक कैसी लगी और सारी चीज़ें फ़ीचर्स इसके कैसे लगे, फीचर्स मैंने इसका फुल डिटेल रिव्यू मैंने इसमें डाल रखा है व्लॉग में, यूट्यूब पर जाके आप चैनल पर जाके देख सकते हो। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो गाइस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड जितना हो सके शेयर करो, भाई को सपोर्ट करो। अपन भी जल्दी GoPro लेंगे, ये जो अभी व्लॉग शूट हो रहा है ये Hero 9 से हो रहा है, तो क्वालिटी कैसी आई है, अगर क्वालिटी थोड़ी कम आई हो और मतलब थोड़ी सी आवाज़ कम आई हो तो गाइस उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं पहली बार बना रहा हूँ ऐसे मोटो व्लॉग सेटअप से, पहली बार यूज़ कर रहा हूँ, क्या पता थोड़ी हवा जा रही हो या फिर आवाज़ कम आ रही हो, बट मैंने मेरा पूरा किया है अच्छे से जो भी मतलब जितना मेरे से हो सकता है। तो ठीक है गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ये खड़े अपने भाई। तो ठीक है गाइस, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।